V0 के बटन को दबा के रख के 3 दफ़ा टेल का बटन दबाना है। स्पेसिफिकेशन 3 में जाना है 0 के बटन से। ये बोट रेड है हमारे 1011 यानी 9600 9600 बोट रेड है। अब ये बिट्स है हमारी 0100 यानी स्टॉप बिट है हमारी 1 और लेंथ बिट है हमारी 8 और 009 हमने पैरिटी ऑफ आरएस को जो है 00 रखना है, नन कर देना है। तो यहाँ पर हमने 4 में डालना है 0100, फिर सेव करना है, टेर से बाहर आ जाना है हमने। ये बोर्डेड हमारे सेट हो गया है। अब कैलिब्रेट करना है हमने, V0 का बटन दबा के रखना है 1 दफ़ा एरो का 2 दफ़ा टेर का, फिर 0 के बटन से हमने आगे जाना है। ये डेसिमल पॉइंट है, हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ से सेट करना है, 1 2 3 रखने हैं जो भी, हमने यहाँ से सेट करना है। फिर कैपेसिटी 1 में जाना है, कैपेसिटी 1 में हमने फुल कैपेसिटी डालनी है जितनी कैपेसिटी हमने रखनी है। फिर डिवीज़न है, डिवीज़न हमने जितनी रखनी है उतना चेंज कर देना है हमने। ये अब मैंने 500 ग्राम रखी हुई है, ये कैपेसिटी 2 है। इसमें हम लो कैपेसिटी रख सकते हैं यानी फुल कैपेसिटी की आधी कैपेसिटी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 हमें नहीं ज़रूरत, तो हमने 0 रखा हुआ है। फिर यूनिट आएगा, 0 का बटन दबाएंगे, कॉल 00, फिर हम 0 का बटन दबाएंगे, कॉल SP पे हमने वेट डालना है जो जिससे हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, यानी अब ये 3000 kg पर है, हमने इसका 30% डाल देना है। लेकिन अब फुल कैपेसिटी पर हम इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब ये कैपेसिटी डाल के हमने इस पर वेट रखते हुए फिर 0 का बटन प्रेस करना है हमने, ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। आप सॉफ्टवेयर पर देखते हैं, बेट हमारा वो शो कर रहा है जो यहाँ पर आ रहा है। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप विंग स्केल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें, ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।